एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है बोराबिया डिफ्यूजा, या फिर इसको पुनर्नवा भी कहते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स के साथ मिला के इसको हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए, कॉलिक के लिए, एडिमा के लिए, रूमेटिज्म के लिए, इंसोमनिया के लिए यूज किया जा रहा है और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी में इसका क्या यूजेस होता है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स मिलने पर आप इसको यूज कर सकते हैं, कितनी डोज में, कितनी पावर में आप इसको ले सकते हैं, साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आते, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोराबिया डिफ्यूजा जो है एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसका जो प्लांट होता है वो इंडिया में बहुत ही वाइडली पाया जाता है। और अगर इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसको सोथघनी, घेतुली और पुनर्नवा भी कहते हैं। पुनर्नवा नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो रेनी सीजन में ग्रो करता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं और जब समर्स आती हैं तो वो पूरी तरीके से सूख जाता है। लेकिन जब वापस से रेनी सीजन आता है तो उसमें उसी सूखे हुए प्लांट से ब्रांचेस निकलती हैं, वापस से वो ग्रो कर जाता है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा या नया जीवन प्रदान करने वाली हर्ब पड़ा। बहुत ही एक्सीलेंट डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। फैमिली या नेचुरल ऑर्डर की बात करें तो इसकी फैमिली होते हैं निक्टैगनी, जिसे 4 o'clock फैमिली भी कहते हैं, जो कि एक फ्लॉरिंग प्लांट की फैमिली होती है। मतलब इस फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स आते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसको किस सिम्टम्स के बेस पे आप ले सकते हैं, कौन सी बीमारियों के लिए ले सकते हैं। बोराबिया डिफ्यूजा बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट डायुरेटिक मेडिसिन होती है। इसकी डायुरेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं बहुत ही मार्क्ड होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, हाथों में, आईलिड्स पे, पैरों में, स्पेशली पैरों में एंकल से स्टार्ट होकर आपके नीज तक सूजन आ रही है, जबकि आपकी किडनी जो है हेल्दी कंडीशन में है, किडनी में कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आपको सूजन आ रही है, लीवर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी इनिशियल स्टेज की हैं, मतलब कोई हल्की फुल्की लीवर की प्रॉब्लम, लेकिन आपको सूजन जो है बहुत ज़्यादा आ रही है बॉडी में, तो इसके लिए एक्सीलेंट काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस है, उसकी वजह से आपको एसाइटिस हो गया, यानी आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में पानी बढ़ने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके ये मार्क एक्शन होता है, इस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर इसके हम हेड के सिम्टम्स की बात करें, सर के सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर बर्स्टिंग हेडेक पाया जाता है, मतलब बहुत तेज़ एकदम फटने वाला हेडेक होता है, जो कि राइट साइडेड हेडेक होता है। और जब भी आपको सर दर्द हो रहा है, एकदम फटने वाला सर दर्द हो रहा है राइट साइड का, और उस पर आप कुछ ठंडा अप्लाई करते हैं तो आपको आराम मिल रहा है, ऐसे केस में पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम इसके थ्रोट के सिम्टम्स की बात करें, कोल्ड के सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें कोराइजा पाया जाता है, कोराइजा के साथ साथ ड्राई कफ पाया जाता है, सूखी खांसी होती है, और जब भी कभी एक्सपेक्टोरेशन होगा यानी बलगम आएगा तो एकदम गाढ़ा थिक कलर होगा और वाइट कलर का होगा, एकदम थिक वाइट कलर का एक्सपेक्टोरेशन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एब्डोमिनल सिम्टम्स की, गैस्ट्रिक सिम्टम्स की, पेट से रिलेटेड समस्याओं की, तो इसमें नौजिया और ओमिटिंग देखने को मिलता है। ओमिटिंग जब होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बाइल निकलता है, यानी पित्त निकलता है। इसके अलावा आपको स्लाइट सा पेन फील होगा आपके लीवर वाले रीजन में, यानी आपके हिपैटिक रीजन में, लीवर जहाँ पे आपका होता है उस रीजन में आपको स्लाइट सा पेन होगा, जब भी आप मूवमेंट करेंगे या फिर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर दर्द होगा। अब अगर आपको दर्द हो रहा है हल्के प्रेशर पर, आप सोचें कि आप जान लें कहाँ पर दर्द हो रहा है, हार्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं उस जगह पर, उस चीज़ से आपको आराम आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? मतलब जब भी आप जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे तेज़ से आप दबाएंगे और आपको आराम आ जाएगा, तो ऐसे केस में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं पुनर्नवा के। इसके अलावा लिवर सिरोसिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर हम इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात करें, तो हार्ट के सिम्टम्स में इसमें फ्रीक्वेंट पैल्पिटेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बार बार आपको धड़कनें बढ़ी हुई मिलेंगी, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई मिलती हैं। इसके अलावा इसमें इंटरमिटेंट थ्रॉबिंग टाइप का कार्डियक रीजन में आपके पेन देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे आपका दिल है उस जगह पे, उस एरिया में आपको
रुक रुक के ऐसे धड़कन जैसा दर्द फील होगा। तो ऐसे केसेस में इसके एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपके कानों में रिंगिंग फील होती है, कानों में टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में आपके वर्टेक्स पे यहाँ पे हीट फील होती है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी निकल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिनरी सिम्टम्स में इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होता है। अगर आपको यूरिन जो है बहुत स्कैंटी आ रहा है, बहुत थोड़ा आ रहा है, यूरिन में रुकावट है, स्टैंगोरी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हाई कलर का यूरिन है, कलर बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रखा है यूरिन का, तो ऐसे केसेस में इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉडी में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैक में पेन रहता है, गठिया जैसा दर्द अगर आपको पूरी बॉडी में फील हो रहा है तो इस केस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट आते हैं इसके। तो ये हो गए इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स मिले तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल्स की, मतलब कौन कौन सी बीमारियों में इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम की। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम से पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम यानी दिल धड़कन की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, दोनों ही केसेस में इसके एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। इसके अलावा लीवर के अफेक्शंस हैं, लीवर प्रॉब्लम है, आपको जॉन्डिस हो रखा है या फिर आपको लीवर सिरोसिस हो रखा है, उसकी वजह से आपको एसाइटिस है यानी आपके एब्डोमेन में पानी बढ़ने लग गया है, या फिर कोई पेरिटोनियल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको एसाइटिस हो रहा है, पेट में पानी बढ़ रहा है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के केसेस में इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होता है, बेरी बेरी के केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ में अगर आपको कोई विनमस इंसेक्ट काट ले, कोई आपको जहरीला कीड़ा काट ले, तो उसके केसेस में भी इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गए कि क्लिनिकल्स कौन कौन से आप में प्रेजेंट हो तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं कौन कौन सी बीमारियों के लिए। अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो जैसे अदर इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, वैसे इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। आपको मदर टिंचर फॉर्म में इसको लेना है, आधे कप पानी में 5-5 ड्रॉप दिन में 3-4 बार आप ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं अगर आप सिम्टम्स के बेस पे लेंगे। जो भी सिम्टम्स मैंने बताए उससे अगर आप मैच करके ये मेडिसिन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, बोराबिया डिफ्यूजर यानी पुनर्नवा के बारे में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या फिर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं जिससे मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए वीडियोज़ को और इन्फॉर्मेटिव बना सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।